अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही खास बड़ी 10 अहम खबरों पर नजर डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली तआवुन, माली मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं, तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार 500,000, जो भी आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी से आप मदद करें और चैनल को मजबूत करें। नाज़रीन, आइए आइंदा कल, एक दिन पहले हम ऐलान कर देते हैं, आज बुध है, आइंदा कल जुमेरात को हमारा इसी चैनल पर 9:30 बजे लाइव बयान होता है। तो आइंदा कल के बयान का उन्वान, हालांकि हमने अलग सोचा था, कश्मीर का 10 दिन का सफर करके मैं आया हूं, तो मैंने पहले यह सोचा था कि उन्वान इस हफ्ते रहेगा कि हाँ, मैंने कश्मीर का मंजर देखा है। लेकिन अभी फिलहाल इस उन्वान को हम रोक रहे हैं। अभी इस वक्त जो अहम उन्वान है, मोहम्मद की मोहब्बत जाने जाहें ऐन ईमान है, और मेरे माँ बाप, मेरी जान, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी ज़रूरी है, और यही हमारा ईमान है, रूह है, जान है। बहुत अहम बयान आइंदा कल इसी चैनल पर, इस उनवान पर होगा 9:30 बजे। आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ इस बयान को देखें और दुनिया को बताएं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी मोहतरम सल्लम की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त न कर सकते हैं, ना आइंदा भी कभी करेंगे। आइए, पहली बड़ी खबर भी आ रही है कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी के खिलाफ अब इंटरनेशनल कानून बने, आलमी कानून बने, अब इसकी मांग उठने लगी है। और मैं आपको बताऊं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बड़े आलिम दीन, जिनको दुनिया का हर ईमान वाला ही नहीं बल्कि हिंदू भाई भी बड़ा मानते हैं, हजरत मौलाना तारिक जमील साहब ने भी अब आवाज उठाई है, और उन्होंने भी इस पर यह बात कही है कि आलमी कानून बनना चाहिए। और यही नहीं, मुल्क हिंदुस्तान को ये दो शैतानों की वजह से और बीजेपी की खामोशी और अनभक्तों को छूट देने की वजह से बीजेपी का नुकसान नहीं, हमारे प्यारे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अब दुनिया हमारे खिलाफ बात कर रही है, यमनी पार्लियामेंट के अरब और इस्लामी मुल्कों से बैनुल अक्वामी सतह पर दबाव बनाने की अपील की गई है। अब मामला अक्वामी मुत्तहदा तक पहुंच गया, हिंदुस्तान को रवादारी का भाष्य की तलकीन की गई, अरब लीग ने भी एहतजाज किया, फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास
ने भी गुस्ताख रसूल को कटहरे में लाने का डिमांड किया, और खबर बड़ी ये भी आ रही है कि अलकायदा जैसी तंजीम भी अब इस मामले में कूद गई है। अब तक 15 मुस्लिम मुल्कों ने एहतजाज दर्ज करवाया। आलम इस्लाम में तीसरे दिन भी ट्विटर पर इल्ला रसूल अल्लाह ट्रेंड करता रहा। नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल की गुस्ताखी से बड़े सफारती बहरान का सामना है। 10 जून को जमात इस्लामी पाकिस्तान का गुस्ताखी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान सामने आया है। उम्मत मुस्लिमा एक जबान होकर गुस्ताखाना इकदामात के खिलाफ आवाज उठाएं। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब की ऐसी अपील आई है, और भारतीय हुकूमत को और खासतौर से मोदी जी को यह समझना चाहिए कि दुनिया अंधभक्त नहीं है। लॉलीपॉप देकर सिर्फ इन दोनों को पार्टी से निकाल कर काम नहीं चलेगा, बल्कि एहतजाज दुनिया भर में रुक नहीं रहा है, हमारे प्यारे मुल्क के खिलाफ हवा बन रही है। इसलिए मोदी जी से हम कहेंगे कि अपने लाडली, अपनी चहीती नूपुर शर्मा और अपने लाडले नवीन कुमार जिंदाल और ऐसे जितने जहरीले सांप हैं, इनको जेल के सलाखों में फौरन ठूंसा जाए। आपको नुकसान हो सकता है, आपकी पार्टी को कोई नुकसान नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं, लेकिन हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हैदराबाद से। जी हाँ, आप जानते हैं कि हैदराबाद में भी एक जहरीला नाग है, गालिबन उसका वो भी बीजेपी का कोई मुजोर और शैतानी लीडर है जो हमेशा नफरतों की भाषा बोलता रहता है। देखिए, पहले बीजेपी ने इन शैतानों पर कार्रवाई नहीं की तो इनके हौसले बढ़ते ही गए, और अब हाल यह है कि ये ना मोदी को गिन पा रहे हैं, अब मोदी के भी कंट्रोल में नहीं और बीजेपी के भी कंट्रोल में नहीं। अभी फिर राजा सिंह नामी खबीस ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की। आखिर महाराष्ट्र के नांदेड़ में इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यानी ये बीजेपी के वो बुजोर लीडरान हैं जो मुसलमानों को हमेशा से ही नशाना बनाते आ रहे हैं, लेकिन अब इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लम की शान में भी गुस्ताखी कर रहे हैं। इसके अलावा सूफी शख्सियात को भी निशाना बना रहे हैं, इनके ताल्लुक से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राजा सिंह जैसे खबीस ने बकायदा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखी की, जिस पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आई नाज़रीन, हिंदुस्तान का बड़ा इदारा, मुल्क का बड़ा इदारा दारुल उलूम देवबंद, जहाँ के पढ़ने वालों ने और जहाँ के निकलने वालों ने इस मुल्क की आज़ादी में पहली लाइन में खड़े रहकर हिस्सा लिया था, इसी दारुल उलूम देवबंद का मुल्क पर एहसान है और पूरी दुनिया में यहाँ के पढ़ने वाले इस वक्त मौजूद है। अब उस दारुल उलूम देवबंद ने भी आवाज़ उठाई है, और दारुल उलूम देवबंद ने भी कहा कि तौहीन मजहब कानून को और सख्त बनाया जाए। मोहतमिम अबुल कासिम नोमानी ने शान रिसालत सल्लम में गुस्ताखी के मुर्तकिबीन को सख्त सजा देने का मुतालबा किया, और उन्होंने कहा कि इस पर सख्त कानून बनाया जाए ताकि आगे कोई खबीस, कोई शैतान ऐसी गलती न करें जिससे हमारे इस प्यारे मुल्क का अमन व अमान खराब हो, खत्म हो। आइए नाज़रीन, ऐसी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। जी हाँ, आप जानते हैं कि एक जहरीली नागिन है पूजा पांडे, जिसने इससे पहले बाकायदा, आपको याद होगा कि इससे पहले भी इसने बड़ी घटिया हरकतें की है और मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने का काफ़ी काम किया है। अभी इस खबीस औरत ने नमाज पर पाबंदी लगाने का डिमांड किया, आखिर इस पर FIR दर्ज हो गई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की नेशनल सेक्रेटरी महामंडलेश्वर उर्फ पूजा पांडे के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ के SSP ने साफ तौर से गुज़िश्ता कल कहा कि पूजा पांडे के खिलाफ काबिल एतराज और विवादित बयान देने पर अलीगढ़ के गांधी पार्क पुलिस स्टेशन में ताज़ीरात हिंद की दफा 153A, 295B, A और 505 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के कानपुर की बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि अगर नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल पर बीजेपी ने कार्रवाई कर लिया होता तो कानपुर में फसाद न होता, लेकिन क्या करें, अब बीजेपी की खामोशी ही बताती है कि ये सब होना चाहिए। अब देखें आप, कानपुर में आपको याद होगा हमने खबर बताई थी कि शहर काजी है, वहाँ के बड़े बड़े आदमी हैं और बड़े अमन पसंद है, जो हिंदू मुसलमानों में अमन का काम करते हैं, लेकिन जब ये अमन का पैगाम देने के लिए गए थे तो बाकायदा आतंकियों ने इनके साथ भी बदतमीजी की। अब उनका बयान भी गुज़िश्ता कल बिल्कुल भड़काऊ अंदाज में गोदी मीडिया बता रही है। जी हाँ, उनसे जब सवाल किया गया कि क्या बुलडोजर चलाया जाएगा, लोगों को डर है कि आपके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, तो उन्होंने एक जुमला कहा कि ठीक है, अगर बुलडोजर चला तो हम कफन बांधकर सड़कों पर उतरेंगे। बस उनका यह बयान जो है इस वक्त गोदी मीडिया मिर्च मसाला लगाकर बयान करने में लगी हुई है। खैर, कानपुर शहर काजी अब्दुल कुद्दूस के इस बयान को काफी हाईलाइट किया जा रहा है। वहीं पर 50 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं और मुबैना कलीदी मुलजिम, जिसे बताया गया है जफर हयात हाशमी, खबरें आ रही है कि उसकी बीवी जारा हाशमी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और आप जानते हैं कि कानपुर तशद्दुद से पॉपुलर फ्रंट को भी जोड़ा जा रहा है, तो पॉपुलर फ्रंट का बयान आया है कि कानपुर तशद्दुद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। आइए नाज़रीन, मोदी जी और बीजेपी की मक्कारी फिर खुलकर सामने आ जाती है। 8 दिन तक तो नूपुर शर्मा को बचाने की कोशिश करते रहे, कोई इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब अरब ने सिर्फ अंगड़ाई ली और ट्विटर पर एहतजाज और आंदोलन शुरू हुआ तो जनाब बीजेपी ऐसे घबराई कि फिर नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन अब आप देखें मक्कारी कैसे नजर आ रही है। एक तरफ सिर्फ निकाल दिया, पूरी दुनिया कह रही है कि सिर्फ निकालना ये कोई कार्रवाई, पार्टी से निकालना ये कोई कार्रवाई नहीं है, ऐसे खबीसों शैतानों को जेल की सलाखों में ठूसा जाना चाहिए। लेकिन अभी खबरें आ रही है कि जेल की सलाखों में तो ठूसा नहीं गया, बल्कि नूपुर शर्मा को पूरी पुलिस सिक्योरिटी दे दी गई। जी हाँ, ये वही नूपुर शर्मा है कि जिसके बारे में हमारे महाराष्ट्र के दबंग कदआवर सेकुलर नेता डॉक्टर जितेंद्र आहार ने बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी की एक प्रवक्ता की वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई है। लेकिन क्या करें, इसको बजाय जेल की सलाखों में ठूसने के, इस पर कार्रवाई करने के, इसकी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोट देने का हक नहीं, क्योंकि वो कैदी है। ईडी ने एक्स गृह मंत्री वजीर दाखला और एनसीपी के साबिक दबंग कदआवर नेता और साबिक वजीर की दरखास्तों की मुखालिफत की। राज्यसभा इलेक्शन के लिए वोटों से मुबासलत रखने वाली महाविकास अघाड़ी का सरदर्द अब बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि ये माना जा रहा है, ईडी ने ये बयान दिया है कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोट देने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो कैदी हैं। इस वक्त कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि कर्नाटक से ही एक नीच नाटक शुरू हुआ था, हिजाब को लेकर गैर जरूरी मुद्दा उछाल कर पूरे मुल्क के माहौल को शैतानों ने खराब किया था। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि उसी कर्नाटक से हिजाब को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि वहां की एक कॉलेज मैनेजमेंट कर्नाटक के दक्षिणा कन्नड़ा जिला के एक कॉलेज में 24 स्टूडेंट्स बेटियां जिन पर हिजाब पहनने की वजह से 7 दिनों के लिए क्लास में जाने पर उन पर पाबंदी आयद कर दी गई, और कॉलेज इंतजामिया ने यह कहकर उन्हें रोक दिया और उन पर पाबंदी लगाई कि जिन्हें हिजाब पहनकर क्लास आना है वो किसी दूसरे कॉलेज में दाखिला ले लें। जी हाँ, आपको याद होगा कि इससे पहले जब हिजाब का मुद्दा चला था उसी वक्त मैंने मुसलमानों से कहा था कि मैं बरसों से अपने बयानात में कहते आ रहा हूँ कि मुसलमानों अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने इदारे बनाओ। आज अगर मुसलमानों के बड़े बड़े इदारे हर जगह होते तो हमें किसी और के कॉलेज में जाने की ज़रूरत न पड़ती और कोई शैतान हमारी बेटियों के हिजाब और नकाब को उतार नहीं पाता। आइए, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो मुल्क ही नहीं इंटरनेशनल
लेवल पर छा चुका है वो है गुस्ताख रसूल नौपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर। आप जानते हैं कि मोदी जी समझते हैं कि पूरी दुनिया इनके अंधभक्तों की तरह बेवकूफ है। मोदी जी ने एक लॉलीपॉप दिया, एक टॉफी, एक चॉकलेट थमाया कि लो जी हमने दोनों को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन पूरी दुनिया में एहतजाज आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया का यह कहना है कि इनको सिर्फ पार्टी से निकाल देना काफी नहीं, बल्कि इन शैतानों को और खासतौर से इस खबीस औरत को जेल की सलाखों में ठूसा जाए। जब तक गिरफ्तार करके इन्हें जेल की सलाखों में ठूसा नहीं जाएगा तब तक के एहतजाज आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि नौपुर शर्मा को बकायदा मुंबई से मुंबरा पुलिस स्टेशन में हाजिरी का नोटिस भेजा जा चुका है। और इमाम काउंसिल ने यह डिमांड भी किया है कि नौपुर शर्मा को बयान के फौरन बाद गिरफ्तार कर लिया जाए। एक्चुअल में होना तो ये पहले ही चाहिए था, लेकिन खैर देर आयत दुरुस्त आयत। एक जुमला मैंने कहा जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, मैंने जुमला कहा था ना कि जो रब से नहीं डरा वो अरब से डरा। लेकिन अगर रब से डर कर खुदा के बंदों के साथ इंसाफ कर लिया जाता और सबके धर्म का एहतराम कर लिया जाता तो आज मुल्क के इतने बुरे दिन नहीं आते। खैर मुल्क के बुरे दिन आए, बीजेपी या मोदी के बुरे दिन नहीं आए। बीजेपी और मोदी के अनभक्त और गोबर भक्त तो मौजूद है, लेकिन इन पर कार्रवाई न होने की वजह से जो हमारे हिंदू भाई, चाहे भारतीय भाई, चाहे वो किस जात और धर्म के हो, जो बाहर मुल्कों में काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां खत्म हो रही है और उन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है। इसलिए मैं मोदी जी से कहूंगा कि तुम्हारा नुकसान तो नहीं, बीजेपी का नुकसान तो नहीं, लेकिन भारत और भारतीयों का बड़ा नुकसान तुमने कर दिया। आई नादिर आखिरी बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है, वो भी इसी से जुड़ी हुई और मुतालिक खबर है। आप जानते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPB एक मुत्तहदा ऐसा इदारा है जिसमें मुसलमानों के तमाम मसलक और तमाम जमात और तमाम पंथों के लोग मुत्तहिद होकर बकायदा साथ हैं और एक साथ किसी भी मसले पर आवाज उठाते हैं। खासतौर से शरई मसाइल में दखल अंदाजी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मजबूत तरीके से आवाज उठाता है। उन्होंने भी यह कहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी यह कहा है कि मोदी जी और केंद्र सरकार से उन्होंने कहा है कि बेवकूफ न बनाओ, लॉलीपॉप न दो, टॉफी और चॉकलेट न दिखाओ, पार्टी की सदस्यता से और मेंबरशिप से इन खबीसों को निकालना मसले का हल नहीं है, बल्कि इनको जेल की सलाखों में ठूंसा जाए। आपको याद होगा मैं बार बार कहता हूं कि हम किसी धर्म की मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि हमारा कुरान, हमारे प्रेषित, हमारे नबी भी इजाजत नहीं देते। इसलिए हम मुसलमानों से भी कहते हैं कि किसी के धर्म का मजाक ना उड़ाए, और खुदा का शुक्र है मुसलमानों की तरफ से मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है। यह भी अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान सब्र कर रहे हैं, लेकिन जायज तरीके से एहतजाज अब दुनिया भर में जो हो रहा है इसके असरात बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं कि न झुकने वाला 56 इंच का सीना भी झुकता हुआ नजर आ रहा है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों होती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।